नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएस पर। सो एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने आई है। यूके की होम सेक्रेटरी, जो कि खुद इंडियन ओरिजिन की है, उन्होंने यहां पे अपोज किया है दी इंक्रीजिंग इन्फ्लक्स ऑफ इंडियंस इनटू यूनाइटेड किंगडम। बल्कि नॉट जस्ट दैट, उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि मैं जो इंडिया यूके के बीच में होने वाला एफटीए है उसके भी सख्त खिलाफ हूं, बिकॉज एफटीए से जो इंडिया से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। बल्कि उनका यह भी मानना है कि सबसे ज्यादा अगर इलीगल इमिग्रेशन होती है यूके में तो वो केवल और केवल इंडिया से ही होती है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे इसको लेकर काफी सारी न्यूज मीडिया के द्वारा कवरेज करी गई है। यूके होम सेक्रेटरी हैज कंसर्न्स ओवर ट्रेड डील विद इंडिया, वेरी ऑफ इंक्रीज इन इमिग्रेशन। यहां पर भी आप देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज, यूके होम सेक्रेटरी कास्ट डाउट ओवर एफटीए ओवर ओपन बॉर्डर्स विद इंडिया। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इनके द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट्स है जो कि यहां पर दिए गए हैं, उसके क्या मायने हैं, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो जस्ट कल की बात है, यानी कि 5 अक्टूबर की बात है, इन्होंने ये कहा था कि जो लाइचेस्टर में रिसेंटली हमें क्लैशेस देखने को मिले थे उसमें जो प्रमुख कारण था वो बेसिकली इंडिया से आने वाले जो नए माइग्रेंट्स थे उनकी वजह से हमें इस तरीके के वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले थे। आपको मालूम होगा लाइचेस्टर में पिछले महीने की बात है, काफी वायलेंट क्लैशेस हुए थे। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद हमें वहां पे काफी सारे वैंडलिज्म के भी अलग अलग जो केसेस हैं वो देखने को मिले थे। सो यहां पर इन्होंने कहा, आई सॉ दिस व्हेन आई वेंट टू लाइचेस्टर रिसेंटली, इट इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स एंड अ बीकन ऑफ रिलीजियस हार्मनी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे भी राइट्स और सिविल डिसऑर्डर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ फेलियर टू इंटीग्रेट सच लार्ज नंबर ऑफ न्यूकमर्स। न्यूकमर्स का मतलब ये है कि जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनको इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कि यूके में कोई जगह नहीं, और इसीलिए इनका सीधा सीधा जो यहां पे टारगेट था वो इमिग्रेंट्स के ऊपर था। और आज इन्होंने ये साफ साफ कह दिया है दैट आई एम ऑब्जेक्टिंग टू इंक्रीजिंग वीजाज फॉर इंडियंस। इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट यहां पे ये है, इनका ये कहना है कि मेरी जो डाउट्स हैं वो एफटीए के ऊपर इसलिए हैं ओवर द इशू ऑफ माइग्रेशन एंड ब्रांडेड इंडियंस बिकॉज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु ओवरस्टे देयर वीजाज इन द यूके आर इंडियंस। यानी कि ऐसे लोग जो कि अपने वीजा में जो शर्तें होती हैं उनको पूरा नहीं करते और उसके बाद भी स्टे करते हैं यूके में, तो वो कोई और नहीं बल्कि इंडियंस ही हैं। इनसे जब एक सवाल पूछा गया कि क्या वीजा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अंडर एन इंडिया यूके एफटीए, तो इन्होंने कहा कि आई हैव सम रिजर्वेशन। अगर आप देखें, लुक एट माइग्रेशन इन दिस कंट्री एंड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु ओवरस्टे आर इंडियन माइग्रेंट्स। यानी कि ये स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स को लेकर भी जो वीजा के रूल्स हैं उनको लेकर भी इनके पास रिजर्वेशंस हैं। और इन्होंने बल्कि इस मुद्दे पे ये भी कहा कि पिछले साल जो इंडिया यूके के बीच में बहुत ही मेजर माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर डील हुई थी, उस डील का भी यूके को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ है। आपको बता दें ये वाली जो डील है आप लोग यहां पर देखेंगे, ये यूके के होम ऑफिस के द्वारा साइन करी थी इंडिया के साथ 4 मई 2021 की। यह कहानी है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यहां पे यूके की उस टाइम की जो होम सेक्रेटरी थी प्रीति पटेल जी, इन दोनों के बीच में इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को साइन किया गया था। और इस अग्रीमेंट का, इस पार्टनरशिप अग्रीमेंट का मतलब यह था, इट एम्ड एट सपोर्टिंग पीपल टू लिव एंड वर्क इन बोथ कंट्रीज व्हाइल एड्रेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू द यूके। बल्कि अग्रीमेंट के तहत यह भी कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों को अपने सॉइल से हटा सकती है जिनको कि यूके में रहने का अधिकार नहीं है, और उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन भी कर सकती है। अकॉर्डिंग टू यूकेज करंट होम सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि वो वाला जो अग्रीमेंट था इट हैज नॉट नेसेसरली वर्क्ड वेरी वेल। यानी कि हम लोग यहां पे इलीगल इमिग्रेशन को अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और इसके अलावा इन्होंने साथ में यह भी कहा है कि जो अभी एफटीए की बात हो रही है जिसको लेके दिवाली की डेडलाइन की बात करी गई है कि दिवाली तक उस एफटीए को फाइनलाइज किया जाए, उन्होंने कहा दैट शी इज नॉट ओपन टू साइनिंग दी एफटीए आल्सो बिकॉज इसके चलते एक ओपन बॉर्डर्स माइग्रेशन पॉलिसी सामने आ जाएगी। और इन्होंने कहा कि कैबिनेट में जब उनकी सपोर्ट मांगी जाएगी तो उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में वो कैबिनेट को सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज एफटीए के चलते इंडिया को ज्यादा वीजा कंसेशंस मिल सकते हैं। इन्होंने यहां पर मुद्दा उठाया कि जब यूके ने ब्रेग्जिट को किया था
तो मुद्दा ये था कि हम लोग इस तरह की चीजों से बचना चाहते हैं, इमिग्रेशन से बचना चाहते हैं, और आज हम लोग एफटीए के थ्रू वापस जो ब्रेग्जिट का उद्देश्य था उसको नकार रहे हैं। इसीलिए मैं एफटीए को भी सपोर्ट नहीं करती, बल्कि नॉट जस्ट दैट, इनके द्वारा रिसेंट स्पीचेस में लो स्किल्ड माइग्रेंट्स को भी टारगेट किया गया है, और इन्होंने स्टूडेंट्स को तो पर्टिकुलरली टारगेट किया है कहते हुए कि आई डू थिंक वी गेट टू अ पॉइंट वेयर वी हैव टू लुक एट सम ऑफ द कोर्सेज दैट पीपल आर डूइंग इन दिस कंट्री, सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दे आर नॉट ऑलवेज वेरी गुड क्वालिटी। यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे कोर्सेज दे रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और उन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए जो बच्चे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जो लो स्किल्ड माइग्रेंट्स की तादाद है जो कि इंडिया से आती है, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। एंड फाइनली शी सेड कि अगर हम लोग एफटीए को साइन कर देते हैं तो हमारे जो उद्देश्य हैं वो यहां पे पूरे नहीं होंगे। आई थिंक इट्स लेजिटिमेट टू क्वेश्चन वेदर दैट इज गोइंग टू सर्व अवर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, एंड टेकिंग अ मोर डिसर्निंग स्मार्ट अप्रोच टू नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजाज आई थिंक इज हाईली कंसिस्टेंट विद अवर एजेंडा फॉर ग्रोथ। बाय द वे आपको बता दूं कि पिछले एक साल में जो इंडिया से स्टूडेंट्स जाने वाले होते हैं यूके में, वो चाइना को ओवरटेक कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, अराउंड 118,000 इंडियन स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ यूके स्टूडेंट वीजा इन द ईयर एंडिंग जून 2022, जो कि पिछले वर्ष के संदर्भ में 89% का हमें इंक्रीज देखने को मिला था। काफी सरप्राइजिंग है, लुक्स लाइक यूके जो है वो एफटीए को साइन करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज जस्ट दो दिन पहले की बात है यूके की एक ट्रेड मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा कि हम लोग यहां पे इंडिया के ऊपर कुछ शर्तें लगाना चाहते हैं, इंडिया को कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आज सुबह की ही बात है, यानी कि यूके कि इवन दो पीएम यहां पे इंटरेस्टेड हैं, लिज ट्रस इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो बाकी का कैबिनेट है वो उतना उत्सुक नहीं है इस पर्टिकुलर एफटीए को लेके। उन्होंने भी यहां पे मुद्दे उठाए कि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया अपने टैक्स पॉलिसीज को बदले, हम लोग चाहते हैं इंडिया अपने जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनको भी चेंज करे। बड़ी हैरानी वाली बात है जो स्टेटमेंट्स यहां पे दिए गए हैं बाय द होम सेक्रेटरी, वो खुद भी इंडियन ओरिजिन की हैं, इनकी जो मदर हैं वो तमिल मदर हैं, और इनके जो फादर हैं वो गोवा ओरिजिन के हैं, और इनके द्वारा यहां पे इंडियंस की जो इलीगल इमिग्रेशन है इसको लेके ये वाले स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको सभी लेक्चर्स और सभी नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे अलग अलग टीचर्स के। हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाएंगे, स्पेसिफिकली माय साइंस एंड टेक कोर्स इज आल्सो मेड अवेलेबल टू यू, और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 2400 रुपए प्रति महीने में अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।